हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपने हाउस होल्ड आइटम से रिसाइकिल करके कैसे एक अच्छा इन्वर्टर बना सकते हो, जिसका जो पावर है वो पावर बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा आप लोग कैसे एक अच्छा इन्वर्टर बना सकते हो। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो वीडियो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये मेरा एक हाउस होल्ड आइटम से बनाया गया इन्वर्टर है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में ये वाला जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर बनाने के लिए जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो 0 रुपीज़ है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 0 रुपीज़ है। मुझको सारे जो पार्ट्स है इसका सारे पार्ट्स मेरे ओल्ड से CFL बल्ब की सर्किट बोर्ड से मुझको मिल गया। तो दोस्तों, इसमें चार्ज करने के लिए देखिए, यहाँ पर मैं एक USB केबल को यहाँ पर दिया हूँ, जो 5 वोल्ट से चार्ज कर सकता है, और इसके अंदर एक 4 वोल्ट का बैटरी है। तो आउटपुट हमको मिलता है कांस्टेंट 230 वोल्ट साइन वेव, ठीक है। तो ये इन्वर्टर हम कैसे बना सकते हैं एकदम लो कॉस्ट में, मतलब 0 रुपीज़ में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले जो ये इन्वर्टर है, इसका मेन जो सर्किट है, इसको पहले समझने के पहले आपको इसका जो मेन कंपोनेंट है, मतलब हार्ट ऑफ दिस इन्वर्टर, इसका ट्रांसफार्मर को आप बारे में आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर मैंने यूज़ किया है वो मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर आपको किसी भी शॉप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 4 वोल्टेज से 220 वोल्टेज का जो बल्ब है इसको जलाता है इसीलिए, और चार्ज करने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट का ज़रूरत है बैटरी को। तो आपको इसका जो ट्रांसफार्मर है खुद से बनाना पड़ेगा, और यही मेन और मेहनत वाला काम है। तो ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर, इसको बनाने के लिए मैं जो पुराना जो ट्रांसफार्मर है, मतलब पुराना बड़ा वाला जो ट्रांसफार्मर है, उसका आई सेक्शन जो है, वो आई सेक्शन को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा जंग फंग लगा हुआ है, तो ये बहुत ही पुराना है। तो इसको और एक ब्लैक टेप से मैं इसको इस टाइप से कवर किया हूँ, ये देखिए दोस्त, इस टाइप से कवर किया हूँ। तो इसको इस टाइप से किया हूँ, पहले एक प्लेट, उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्लेट, और फिर इसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, और इसके बाद इस टाइप से मैंने इसको, इस टाइप से इसको करने के बाद इसको जो पूरा है ये मैं टेप से लपेट दिया हूँ। तो इस टाइप का ये दिखेगा कुछ। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये है इसका मेन कोर। अब मेन कोर को वाइंड करने के लिए आपको कुछ टाइप का वायर चेंज की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने यहाँ पर वायर को लिया है, ये वायर आपको CFL की जो मेन एक छोटा वाला ट्रांसफार्मर है, मतलब चोक है, ट्रांसफार्मर नहीं है, चोक है, इस चोक से आपको ये मिलेगा। दोस्तों, ये जो वायर है, इसको ठीक बीच से मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैंने बीच से यहाँ पर फोल्ड किया है, और बीच से फोल्ड करने के बाद मैं इसके कोर के ऊपर इसको 10 टर्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। 10 टर्न देने के बाद मैं इसको टेप से पूरा पूरी कवर कर दिया, और कवर करने के बाद ये जो फीडबैक वाला छोटा, उससे ज़्यादा थीन वायर मैंने लिया, वो थीन वायर को मैंने इसके ऊपर धीरे धीरे 8 टर्न दे दिया दोस्तों, 8 टर्न। अब जो ट्रांसफार्मर है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, यहाँ पर कॉम्पोनेंट यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर फीडबैक वाइंडिंग यहाँ पर है। अब फीडबैक वाइंडिंग के बाद मैंने बल्ब के अंदर जो पावर है, ये पावर सर्किट के ठीक सामने ही एक इनर छोटा सा रेजिस्टेंस है, या छोटा सा चौक भी आप लोग कह सकते हैं, उसको मैंने लिया उसका वायर को, और उसका 3-4 वायर को मैंने एक कागज़ के ऊपर लपेट लिया इस टाइप से, और ये बहुत सारा वायर हो गया। और वायर होने के बाद अब मैं इसका जो सेकेंड वाइंडिंग है उसका काम मैंने स्टार्ट कर दिया। सो उसके लिए मुझको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, तो आप लोग भी ये बात ध्यान रखिए, जो इसको आप लोग जब कवर करेंगे तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से ये कवर कीजिए, यहाँ पर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ट्रांसफार्मर है ये अपने आप ही जल जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको कवर किया टेप से, और इस टाइप से मैं इसका वाइंडिंग करा। पहले तो यहाँ पर 100 टर्न दिया, 100 टर्न देने के बाद उसके ऊपर टेप दिया, और फिर उसके ऊपर 100 टर्न दिया, और फिर उसके ऊपर टेप दिया, फिर उसके ऊपर 100 टर्न दिया, इस टाइप से मैंने इसको किया। तो यहाँ पर टोटल 550 टर्न लगेगा, और लगने के बाद वो ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, और यहाँ पर दोस्तों 1, 2, 3, और यहाँ पर दोस्तों दोनों आउटपुट है, ये यहाँ पर हम लोग आउटपुट यहाँ पर पाएंगे। और फिर जो इसको है, इसका जो मिडिल वाला जो मोटा वाला पोर्शन है, उसको इस टाइप से मैंने लगा दिया। जो यहाँ पर ये वाला सेंटर है, ये पॉजिटिव में जाएगा डायरेक्ट, ये वाला है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जाएगा, और ये जो दोनों है ये बेस में जाएगा, और ये जो है ये आउटपुट है दोस्तों, ये आउटपुट है, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों, इसको
जो इसका जो कैलकुलेशन है ये रहा कैलकुलेशन एन आर बाई एन एस इक्वल टू वी आर बाई वी एस। आप लोगों को कुछ इस टाइप का कैलकुलेशन देखेगा एन एस बाई एन पी इक्वल टू वी एस बाई वी पी। यहाँ से आप लोग ये बार निकाल पाएंगे कितना सा वोल्टेज आप लोगों को लगाना है, कितना सा टर्न आपको देना है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको बताएगा। अब कैलकुलेशन करने के बाद तो ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया। अब जो मेन बात है उसका है सर्किट। तो सर्किट एकदम ही सिंपल है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये है इसका सर्किट। तो सर्किट मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जो ये देखिए ये मेन ट्रांसफार्मर की 550 जो आउटपुट है ये प्लग में डायरेक्ट जाएगा और प्लग में जाने ये यहाँ पर दोस्तों इससे और यहाँ पर और यहाँ पर मतलब बैटरी और ये जो आउटपुट है इसमें कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो कनेक्शन जो है वो है इनपुट में, वो जो मोटा वाला 10 टर्न का वायर था उसको इस टाइप से कनेक्टेड मैंने किया और ये फीडबैक है, ये डायरेक्ट ट्रांजिस्टर की बेस में जाता है। इसको आप विकिपीडिया या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा ccfl इन्वर्टर। दोस्तों ये है ccfl इन्वर्टर का सर्किट है, बहुत ही ईजी सर्किट है और मार्केट में बहुत ज़्यादा इसको अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ 4 वोल्टेज डीसी दिया हूँ और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर मैंने दिया हूँ ये है DAT2P। तो DAT2P आपको कुछ टाइप का ccfl में मिलेगा लेकिन आपको ज़्यादा से ccfl में मिलेगा 1303 या 1301 मिलेगा आपको। तो आपको ये वाला ट्रांजिस्टर यूज़ करना है। और यहाँ पर देखिए 8 टर्न मैंने दिया हूँ और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया हूँ ये 1 किलो ओम का है, ये आपको मिल जाएगा ccfl में। और यहाँ पर जो कैपेसिटर मैंने दिया हूँ ये है 470 जूल का, ये भी आपको ccfl इन्वर्टर ccfl बल्ब की सर्किट के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो ये वाला इन्वर्टर है इसका जो पावर है और इसका जो एफिशिएंसी है ये है 85% एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मैंने कैलकुलेट नहीं करा लेकिन एफिशिएंसी जो गूगल में है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एफिशिएंसी ओवरऑल 85% है और ये इन्वर्टर जो है ये ccfl इन्वर्टर को ये इन्वर्टर बहुत अच्छी तरह से बल्ब को चलाता है। और इसका जो पार्ट्स मैंने लिया ये पार्ट्स में ccfl बल्ब से लिया और ccfl बल्ब से लिया है और जो इन्वर्टर मैंने बनाया है इसको कहते हैं ccfl इन्वर्टर। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं दे पाया। तो अगली बार मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो मैं ये बोलता नहीं लेकिन सब्सक्राइब के बाद आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।